Magnetic field along the axis of a current carrying circular coil. हमने कैलकुलेट किया था कि कोई करंट कंडक्टिंग कोयल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड. अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कोई सर्कुलर कोयल है, ये सेंटर है O, इसकी रेडियस है A, क्लियर. इसके सेंटर से इसकी जो अक्ष है, इस एक्सिस पर ही सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और उस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? क्या करते हैं, एक करंट एलिमेंट हम यहां मान लेते हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट एलिमेंट मान लिया हमने, कितना आइडियल, जैसा कि हमेशा मानते हैं. इस करंट एलिमेंट के कारण पहले हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे पूरे सर्कुलर कोयल के कारण. करें, ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है. क्या डिस्टेंस है ये? आर. जब मैंने ये डिस्टेंस आर मान ली, और सपोज करो ये एंगल अल्फा है, या थीटा कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको थीटा मानना है, आप थीटा ले लीजिए, अल्फा लेना है अल्फा ले लीजिए. क्या होगा यहाँ पर, इस कोयल के, इस एलिमेंट के कारण पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलो कितना होगा? बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा है ना, बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार कितना होना चाहिए? म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए. थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा क्या था, थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए जरा. हाँ, आप बताइए मुझे क्या पूछ रहे हैं. डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट पी पर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या बताया था, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द आर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आर होती है, बताया था ना. और थंब रूल बताए थे हमने, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये सब अल्फा ही मान लेते हैं इसे. ठीक, जिस तरह से एलिमेंट मैंने इधर लिया, बिल्कुल उसका अपोजिट एलिमेंट इधर भी जरूर होगा. भाई सर्किल है, अगर कोई भी सर्किल आप ले लें, सपोज करो ये सर्किल आपने ले लिया, तो जो एलिमेंट ऊपर होगा वो एलिमेंट नीचे भी तो जरूर होगा, है ना. और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है. अल्फा 90 माइनस अल्फा अल्फा, अल्फा ये 90 है, अल्फा होगा. क्लियर. डीपी को दो कंपोनेंट में बांटा जा सकता है. ये कंपोनेंट क्या होगा? डीपी कॉस अल्फा. और ये कंपोनेंट क्या होगा? इधर डीबी कॉस अल्फा. इधर को कंपोनेंट इस वाले का क्या होगा? डीबी साइन अल्फा. और इसका डीबी साइन अल्फा. भाई इस डीबी के दो कंपोनेंट हुए ना, एक तो डीबी कॉस अल्फा, डीबी साइन अल्फा. इसके भी दो कंपोनेंट हुए, डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन. ये तो केवल दो एलिमेंट के कारण हुआ. ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट. और ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के कारण जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स लेंगे, सभी के कारण, सभी एलिमेंट्स के कारण क्या होगा? इन सभी एलिमेंट्स के कारण इस पॉइंट पर जो ये कंपोनेंट डी बी कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट्स हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये सबके कारण क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे. ये सबके कारण क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे. ये आपको एंगल समझ में आया? ये एंगल 90 होगा ऑलवेज. ये आपको जो दिख रहा है वो ये 3D पिक्चर है. ये आपकी 3D पिक्चर है. ये पिक्चर ऐसे नहीं है, सर्किल ऐसे है और पॉइंट यहाँ है. समझ में आ रही ना बात? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे सोच रहे हैं. ऐसे तो आपको जीरो एंगल दिखेगा,
है ना, जैसे पहली पिक्चर में बताया था। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मूल्य क्या होगा? इंटीग्रेशन ले लेंगे, और किसका इंटीग्रेशन लेंगे? डीबी का नहीं, डीबी साइन अल्फा का। डीबी साइन अल्फा क्यों? भाई ये डीबी का में ये तो कैंसिल आउट हो गए, वैल्यूज पुट करते हैं। क्लियर है? बाहर ले लेते हैं, म्यू जीरो बाहर आ जाएगा, फोर पाई बाहर आ जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, साइन अल्फा बाहर आ गया। क्लियर? डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए, रेडियस ए है तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा कितना हुआ? टू पाई ए हुआ ना। क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से फोर हो जाएगा, टू टाइम्स क्या आया बोलो? म्यू जीरो आई ए अपॉन टू आर स्क्वायर साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा होगा, क्या होता है साइन अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, है ना, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? ए। क्लियर है? क्या वैल्यू आई फिर बी की? म्यू जीरो आई ए अपॉन आर, नहीं क्या वैल्यू आया? म्यू जीरो आई ए, अच्छा ए ऑलरेडी था तो ए स्क्वायर आ जाएगा, टू आर क्यूब। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? क्लियर है आपको? आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। क्या रख सकता हूँ आर क्यूब की वैल्यू? स्क्वायर भी है और स्क्वायर भी क्यूब भी करना है, क्या लिखा जा सकता है? थ्री अपॉन टू। वैल्यू पुट कर दीजिए, वी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू। क्लियर हुआ? यदि इसमें एन टर्न्स हैं, कितना टर्न्स हैं? एन चक्कर है, इसमें चक्कर एन है, क्या होगा? बोलो क्लियर हुआ आपको? नहीं क्लियर हो गया? अगर हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट पी पर, एक्सेल पॉइंट पर, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं सेंटर पर, तब क्या होगा? इसी फॉर्मूले से सेंटर पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तब क्या होगा? एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सबस भाई एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पर ये पॉइंट यहाँ ना होगा यहाँ है, और ये पॉइंट पी पर ना होगा अगर यहाँ है तो क्या होगा? एक्स एंटर, एक्स इजगल टू जीरो, एक्स एंटर इजगल टू जीरो, क्या होगा फिर? अगर बी जीरो उसे मैं कह दूँ तो क्या आएगा? म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू जीरो, बोलो टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यूब। पहले क्या आया था? अभी थोड़ी देर पहले जब पहले पीरियड में हमने बताया था तो यही फॉर्मूला था ना, यही था ना फॉर्मूला, वहाँ हमने रेडियस आर्क मानी थी, तो क्या आया था फॉर्मूला? म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर,
यहाँ क्या आया म्यू जीरो एन आई अपॉन टू ए, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ आर रेडियस थी, यहाँ ए रेडियस है। अब एक केस और हो सकता है हमारे पास, हम मानते हैं कि ये पॉइंट बहुत दूर है इन्फिनिटी पर, नहीं पर ए के कंपेरिजन बहुत दूर है इन्फिनिटी, वही है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है बहुत ज़्यादा है ए से, तो एक्स स्क्वायर तो और भी ज़्यादा होगा, तब क्या होगा भाई म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था ना, ये फॉर्मूला था 2। अब हमने क्या करा, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, किसे ए म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स, ये स्पेशल केस आ गया ना, बात क्लियर है आपको या नहीं, समझ में आया आपको?